भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का ये पाकिस्तान दौरा है पहुंच चुके हैं। आज पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को फिर से चिढ़ाने की कोशिश। कट्टरपंथी इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन स्पीचेस के मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक अपने 3 हफ्तों के दौरे पे पाकिस्तान पहुंच गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से न सिर्फ हिंदू पंडित बल्कि मोदी हुकूमत भी हसद रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी कुछ उलमा डॉक्टर जाकिर नाइक से सख्त इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि अक्सर उलमा और अवाम डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत मोहब्बत भी करते हैं और यही वजह है कि बिलाखिर डॉक्टर जाकिर नाइक आज पाकिस्तान पहुँच गए हैं। हुकूमत के कई बड़े ओहदेदारान ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात की, लेकिन ये दौरा मोदी हुकूमत को हजम नहीं हो रहा। इंडियन मीडिया और गोदी मीडिया का एक मशहूर एंकर रजत शर्मा ने भी पाकिस्तान और डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत का इजहार करते हुए कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का मकसद सिर्फ भारत को चढ़ाना है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का रिवायती हरीफ है और जब ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में बैठकर तकरीर करेगा तो भारत पर तंज जरूर होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक पर कई संगीन इल्जामात का जिक्र भी किया। भारत में मोस्ट वांटेड टेरर फंडिंग का आरोपी कट्टरपंथी इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक पाकिस्तान की हुकूमत के गेस्ट के तौर पर वहाँ के शहरों में लोगों को इस्लामिक कट्टरपंथ की सीख देगा। अब इससे ये जाहिर होता है कि बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान और डॉक्टर जाकिर नाइक दोनों को एक साथ बदनाम किया जाए। मोदी के कंट्रोल में हमेशा से इंडियन मीडिया रहा ही है, इसलिए काफी मशहूर यूट्यूबर भी मीडिया से इख्तलाफ रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये अंदाजा बहुत ही पहले लगाया था कि अगर पाकिस्तान जाऊंगा तो हिंदुस्तान मुझ पर और भी इल्जामात थोप देगा। ये तो इंडियन मीडिया का दावा है कि जो सरासर गलत है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो पाकिस्तान में बैठकर वजह बताई वो कुछ और ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि क्योंकि मेरी तकारीर में हिंदू लोग बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, वो अपने मजहब को भी जानने लगे हैं, इसलिए मोदी हुकूमत को भी तकलीफ शुरू हो गई है और जो हिंदुइज्म बीजेपी लोगों को दिखा रहा है वो असल में खुद अक्सर हिंदू भी नहीं मानते, क्योंकि मोदी के लोगों की हरकत से पता चल जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो किसी भी मजहब में जायज नहीं है। तो क्योंकि गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे और जो मुझे हिंदुइज्म के बारे में पता नहीं था, जाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में हमें और नॉलेज मिली बनिस्बत जो 50 से 40 साल में हमने जिंदगी में नॉलेज हासिल हिंदुइज्म को। तो अगर हिंदू मुझे नहीं चाहते थे तो शायद गवर्नमेंट को भी तकलीफ नहीं होती। हिंदू चाहने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे तो ये गवर्नमेंट के एजेंडा के खिलाफ था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि हिजरत के दौरान 15 इस्लामी ममालिक ने मुझे बुलाया कि आओ हम तुम्हें पनाह देते हैं, लेकिन मैंने मलेशिया के अलावा कोई और मुल्क नहीं चुना, क्योंकि अक्सर मुस्लिम ममालिक को भी दीगर बड़े ममालिक कंट्रोल करते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये मुमकिन था कि वो मुझे मोदी गवर्नमेंट के हवाले कर देते। इसलिए जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि मलेशिया वाहिद मुल्क है जो कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैंने मलेशिया को सेलेक्ट किया और अल्लाह के फजल से तकरीबन 15 ममालिक वो चाहते थे कि मैं आके वहाँ सेटल हो जाऊँ ताकि वो मुझे सिटीजनशिप दे, और ये 15 ममालिक से मैं मेरे खुद के रिसर्च के मुताबिक मेरे नज़दीक मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फिलहाल है मेरे नज़दीक सबसे बेहतर इस मामले में, और इसीलिए मैंने मलेशिया चुना। दोस्तों, गोदी मीडिया इतना मासूम बनने की कोशिश करता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो कोई हुकूमती फर्द भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको इतने ऊंचे लेवल पर दावत दे दी और जब इंडिया मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक का प्रोटोकॉल देखा तो उसकी इज्जत देखी तो और भी ज्यादा हैरान रह गए। हमारी नज़र में जो फसादी है उसको इतनी इज्जत से क्यों बुलाया जा रहा है? उनका दावा है कि पाकिस्तान खुद भी फसादी है तो ऐसे फसादियों को तो इज्जत देगा ही। इन कम अकलों को इतना भी नहीं पता कि जो बंदा दीन के लिए ज्यादा काम करता है मुसलमानों के लिए वही बड़ा आदमी होता है। स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया गया। जी हाँ, स्टेट गेस्ट भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का ये पाकिस्तान दौरा है पहुंच चुके हैं। आज शहबाज सरकार के राजकीय निमंत्रण पर दौरा उनका बुलाया गया है, राजकीय निमंत्रण दिया गया। ऐसा लग रहा है किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बुला लिया गया, राष्ट्रपति को बुला दिया गया। इतनी इज्जत एक आतंकी की? खैर, आतंकिस्तान है तो आतंकियों को तो इज्जत देगा ही। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद
भी कहते हैं कि पाकिस्तान के दौरे के दौरान मेरा बेटा फारूक नाइक भी मेरे साथ होगा। तो इसको इंडियन मीडिया ने ये रंग दिया है कि खुद तो फसादी है, ऊपर से अपने बेटे को भी ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे आतंक फैलाना है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक फसादी को प्रोटोकॉल देने के लिए पैसे है। जाकिर नाइक के साथ बेटा फारूक नाइक भी मौजूद रहेगा, ट्रेनिंग दे रहे हैं बेटे को भी कि कैसे आतंक को और आग यहाँ पर भड़कानी है। पाकिस्तान को खाने पीने के लाले पड़े हुए और आतंकियों का स्वागत करने के लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक इससे पहले भी कई मुस्लिम ममालिक में अपनी तकारीर कर चुके हैं, लेकिन भारत ने और मोदी सरकार ने इस पर इतना शोर नहीं मचाया था। पाकिस्तान की बारी आई तो इन पर कयामत टूट पड़ी है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा और भी उलमा हैं, वो अक्सर मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए चुप ही रहते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने मोदी को तब तब ललकारा है जब जब मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ इकदाम उठाए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये एक इम्तिहान है, जहाँ भी कोई दीन के काम से रोकता है तो उसी वक्त उस देश से हिजरत कर लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स से भी यही तलकीन करते हैं तो उन्होंने खुद भी हिजरत करके साबित करवाया। कई बार मोदी हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ कश्मीरियों के खिलाफ मुआहदा करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साफ साफ बता देते हैं कि जिस अमल में मेरे मुसलमान भाइयों का नुकसान हो, मैं उसमें कभी आपका साथ नहीं दूंगा। अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा कामयाब करें, आमीन। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों से आपको हकायक का अंदाजा हो गया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल तीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।